Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog. I hope ab sab khair khairiyat se honge. Another vlog in Islamabad with a haseen weather. I know ki aap log soch honge ki last vlog ki ending ke andar tum Lahore bade hue the. Lahore mein tumhara stop tha, tumhara vlog Lahore mein end hua tha. Islamabad kaise? To maine Lahore aur Islamabad ko aisa samjha hua hai ki ghar se utro, niche dukaan pe jao, samaan leke wapas aa jao. Ye scene hua mera, lekin aaj kuch khwab poore karne ke liye main yahan pe aaya hu, jo ki mere khwab complete ho gaye meri. Is waqt main camera को साइड पे कर नहीं सकता क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरी एक जान खड़ी हुई है, मेरी हसीना खड़ी हुई है. आज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो चुका है और अल्लाह ताला ने इतना प्यारा मौसम भी कर दिया, बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बूंदे पड़ी है. लाहौर आने से पहले मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं गाड़ी पटता हुआ घर से निकला था और रास्ते में पंचर शंचर हो गया, घर के अंदर फ्यूल फुल करवाने गया. वहां पे मैंने ऐसे टायर चेक करा दिए गलती से, मैंने कहा चलो चेक करा लेते, कभी मैं करवाता नहीं हूँ, और पता चला कि टायर पंचर हुआ. मैंने कहा वड़ गए, भी 2 घंटे वहां पे लग गए, लेकिन खैर पहुंच गए, रात को पहुंच गए आराम से. व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह के सीन है कि बहुत लिमिटेड 4-5 लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूं, बाकी दुनिया जहां की मैंने खबर नहीं होती कि क्या हो रहा है, अपने से काम रखा हुआ, अपनी हद तक रखा हुआ, लेकिन ये कुछ 4-5 लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूं. मैं आप लोगों को उनका नाम इसलिए लेके बताऊंगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर चीज में मेरे साथ खड़े होते हैं, चाहे मैं गलत हूँ चाहे मैं ठीक हूँ. नाम लेके बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक तो आप सब जानते हैं मेरे चाचू हो गए, एक फखर भाई हो गए, एक आमिर भाई हो गए, हमजा खान हो गया, लेकिन बात कुछ इस तरह की है कि जो भी मैंने फैसले लेने होते हैं या जो भी कुछ करना होता है मैं सबसे पहले इनसे डिस्कस करता हूँ और ये इनके साथ बात में इतना मगन हो जाता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि हाँ ये हमारी सुन रहे हैं. अगले दिन जाके इनको जो डिसअपॉइंट, हमेशा से इस तरह सीन चलता आ रहा है. आज जब मेरे सामने चीज खड़ी हुई है, मुझे वल्लाही अजीम यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटे मोटे व्लॉगर को ये कैसे नसीब हो गया. बेशक अल्लाह नवाजता है चीज से, मेहनत करने की देर होती है. खैर छोड़ो, जान दो, ये 3-4 लोगों का मैंने नाम लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बंदे रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए. मैंने डिसअपॉइंट किया बट स्टिल आप लोग छोटे मोटे व्लॉगर की खुशी को समझो, दूसरी बाकी छोड़ो जान दो. एट एज 23 मैंने अपनी पहली गाड़ी परचेज की थी, आप लोगों को पता होगा, द वन एंड ओनली मेरी जान. और आज एट एज 24 आई बॉट माई ड्रीम कार, मेरी जान निसान 350Z. वल्लाह या ना हब्बे गंती. और इसका नाम वो Z. मब्रूक या हाईवान, वेलकम टू द हार्ट ऑफ 4E काकू. वल्लाह अजीम तुम अभी जानती नहीं हो तुम किसके पास आ गई हो जी, तुम इतनी खुश रहने लगी हो, इतनी खुश रहने लगी हो, तुम्हें पता भी नहीं है. एंड कोर्स तुम्हें तो अब इतना फेमस होना पड़ेगा बिकॉज डेट इज वेरी इसके अंदर बहुत कुछ इंस्टॉल हुआ है. मैं आप लोगों को अभी से एक बात बता दूं कि रात के टाइम इस गाड़ी की वाइब वो अलग है, यकीन मानो. वो खैर आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग दिन दिन में इसके नज़ारे करेंगे. नेक्स्ट व्लॉग की बात है, नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे. एक्साइटमेंट लेवल इज टू फकिंग हाई. और यकीन मानो ये पाकिस्तान की एक ऐसी 350Z है जो क्लीनेस्ट है, एक सिंगल स्क्रैच, एक होता है ना स्क्रैच हल्का सा, एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं है इस गाड़ी के ऊपर. माशाल्लाह लाजमी पढ़ लेना क्योंकि मैं नहीं चाहता जो काम करके साथ हो कभी जिंदगी में इसके साथ हो. मैं इसको इतने प्यार से रखूंगा. ऑफकोर्स ब्लॉग्स में नजर आएगी लेकिन वो स्क्रैच वाले काम नहीं होंगे इसके साथ, क्योंकि ये हम मेरे जैसे छोटे मोटे ब्लॉगर के लिए अगर ये मैंने बाय कर लिया ना, बहुत बड़ी गल है. मैं क्या वर्ड्स बोलूं. खैर गड्डी नु देखो आप लोग, यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके पटाखे निकल, ओए पटाखों से याद आया, कल रात को मैं गया हूँ फखर के साथ, कल रात ही बाय कर ली थी, तो अभी सुबह के टाइम हम लोग अभी इसको बाय कर लिया, इसको मैंने अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया, सारे के सारे सीन कर लिए. उसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप पे जाके मैंने कहा यार इसके स्लेंसर लगे हुए, फ्यूल फुल करवाया, और आप लोग यकीन मानो 18,000 रुपए का इसके अंदर हाई ऑक्टेन फुल हुआ है. मेरे होश उड़ गए लेकिन मैंने कहा छड्डो जान दो, कोई मसला ही नहीं है, 18,000 उसमें 50,000 का भी फ्यूल भरता है भर दूंगा, कोई मसला ही निश्चित है. तो मैंने एकदम रेस के ऊपर बैठे थे और सारे पेट्रोल पंप बोले यहाँ पे देखने लग गए. मैं इतनी जोर की आवाज थी कसम से मैं खुद परेशान हो गया. मैंने पहली बार वो वाला सीन किया था, मुझे नहीं पता कि पटाखे फखर वहाँ गाड़ी से निकला, आंखें उसकी भरी हुई, इतनी मोटी मोटी उसकी आंखें होगी, मुझे उंगलियां करा रहे. मैंने कहा क्या हो गया भाई, आके कहता है तुझे पता है कि तू पेट्रोल पंप के साथ आधा इस्लामाबाद भी उड़ाएगा. मैंने कहा फक, इतना मुझे कल रात बुरा फील हुआ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ था. ये गलती थी मेरी, बहुत बड़ी गलती थी, कल रात मेरी ऐसे गुजरी है सोचते होते, लेकिन रात गई बात गई. मुझे एक और गाड़ी भी मिल रही थी फुल ब्लैक कलर की थी लेकिन वो कन्वर्टेबल नहीं थी, तो
मैंने कहा जब आ ही गए हैं तो कोई मसला नहीं, कर दो खर्चे वर्चे, छोड़ो एक ही दफा, एक चीज चाहिए तो चाहिए बस, बाकी इसके अंदर रिम्स वगैरह लगे हुए हैं। इसकी डिग्गी अगर मैं ओपन करूँ, इसके अंदर एक चीज पड़ी हुई है, एक ऐसी चीज पड़ी हुई है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इसकी डिग्गी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या शशकों वाली चीज है। खैर इसका कन्वर्टिबल हम लोग करेंगे दोपहर में, अभी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो अभी मैंने साइन शाइन करने, वो सारे काम वगैरह करने। गाड़ी मैंने ना होगी, गाड़ी मैंने परचेज कर ली, बस एक वो छोटा सा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसका नंबर प्लेट ये देखो PF 350 और इसका नंबर भी 350, क्या बात है, ये जी लिखा हुआ है। इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी सी गाड़ी है, टू सीटर है, लेकिन वल्लाही अजीम बहुत बहुत प्यारी है, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है रियल लाइफ में। इसकी अलग वाइब है, दिन के टाइम तो आप लोगों के सामने है, रात के टाइम आप लोगों ने देख लिया ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, आप लोग कहोगे फक मैन छोटे मोटे व्लॉगर के पास इस तरह की चीज आ कैसी गई है। आप सबको मैं कमेंट सेक्शन में तो देखूंगा जरूर, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मेरे लिए एक काम करने में, इस खुशी पे, इस खुशी कंप्लीट होने पे, इस ख्वाब पूरे होने पे के इंस्टाग्राम @4ekaku के ऊपर एक महीने के बाद एक पोस्ट आने लगा है। इनफैक्ट जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होगे उस टाइम वो पोस्ट अपलोड हुआ होगा, तो जैसे व्लॉग एंड होगा आप लोगों ने जाना इंस्टाग्राम। ये इसकी कीज है और पता नहीं अनलॉक होगी, यस अभी बहुत चीजें सीखने वाली है मैंने। ये इसका इंटीरियर यार माशाल्लाह से इसका इंटीरियर भी बहुत 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 प्यारा है। ये बहुत नीचे है, ये स्कर से कुछ ज्यादा ही नीचे है। ओ शिट इसकी चाबी है, मैं पुश स्टार्ट देख रहा हूँ, ये लग गई चाबी, 2 3 एक दफा रैप करते हैं जरा इसको, वो सामने गार्ड्स वगैरह खड़े हुए, लेकिन अना माफी खौफ होने आ जाने। ये फास्ट हो गई है जब से फेमस हूँ जिंदगी, ये फास्ट हो गई है, किधर है मेरा हम सफर, शी प्रॉमिस मी के साथ होगी हर सफर, तेरी आवाज आज भी गूंजती हर तरफ, अब तो ही तू दिखे मुझे चारों तरफ, इस लेन से अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पे ना गाड़ियाँ सारी पार्क हुई हुई है, तो मैंने जाके जरा थोड़ी सी एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, ये हिस्सा क्या है, गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे, वो पी 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 यार वल्लाही बहुत मजे की चीज है ये। बहुत बहुत खुश हूँ मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले कोई 5 मिनट से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कार्ड डाला हुआ है, पैसे ही नहीं निकल रहे, कार्ड भी मशीन खा गई है, पैर भी खा गए मेरे हैवान। हेलो बाहर आओ हैवान, वी आर अनेबल टू कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन, चला जा। फाइनली द मनी वॉइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काकू स्कर किधर है, स्कर हमें नजर नहीं आ रही, तुमने कहीं सेल करके तो इसको परचेस नहीं किया, स्कर जो है वो घर में खड़ी हुई है, जो जी है हमने स्कर को सेल करके इसको नहीं लिया, तो स्कर एंड जी के बहुत रोले भी होने लगे, कोई जेलेसी फैक्टर भी हो सकता है, इनको मिलाएंगे भी सही आपस में, बट अनटिल देन लेट्स गो। ये अभी से मसले स्टार्ट हो गए हैं, अब चाबी इसके अंदर मैं भूल गया हूँ। मेरे दिमाग में वही पुश एंड स्टार्ट वाला सीन है, लेकिन इट्स ओके, वेलकम टू होम, वेलकम टू होम जी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं इस एंग्री स्कर को लेके वापस आ गया हूँ, इधर ही उस जगह पे जाना है, वहाँ पे जाके स्टैम्प साइन करना है, एक आखिरी डॉक्यूमेंट रह गया वो फिल करते हैं, उसके बाद फिर ऑफिशियली जी हमारी हो जाएगी। ओए मैं भी यहाँ से निकलने लगा था, वो देखो ये है वो भाई जिनसे मैंने परचेज किया है, उस्मान नाम है इनका। तो फाइनली हमने स्टैम्प पेपर क्लियर कर लिया है, अब ऑफिशियली जी हो गई है हमारी। सर आपने मेरा जिगर का टुकड़ा ले लिया। आप मेहनत की थी मैंने उस गाड़ी के ऊपर। आपको पता है सबसे बड़ी रीजन ये है कि मैंने इसको स्कर को सेल नहीं किया, अगर मैं स्कर को सेल करता ना तो ये बहुत इजीली मैं ले सकता 350 आपसे, ये रीजन है जो आपको अभी फील हो रहा है। डेन रखें और अल्लाह ताला आपको नसीब करे। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। ये गाड़ी बहुत प्यार से चलेगी, मतलब कितने भी प्यार से नहीं, ऊपर जैसे हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे और अभी यहाँ से किस साइड पे गए उस्मान भाई, इस साइड पे गए, चले नजर आओ, एक सिविक नजर आई आप लोगों को, उसका मैं कलर दिखाता हूँ, आप लोग कहोगे क्यों क्यों इसने इस तरह का कलर करवाया, किधर गई किधर गई किधर गई, गए यार वो पिंक कलर की नजर आ रही है, वो देखो सिविक।
शैम्पू वगैरह करवा के मैं वापस घर आ गया था। स्कर को भी पार कर दिया। मान भाई का कुछ सामान अंदर रह गया तो वो भी वापस जाएंगे, लेकिन अब हम लोग स्कर में नहीं जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे इसके अंदर। लेट्स गो जी। तुम्हें एक लास्ट दफा उस्मान भाई से मिला दें। जिस मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट यूज करता हूँ वो घर रह गया। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे चीजें भूलने जा रही। अंदर जाके फ्राइज का ऑर्डर दे देते हैं, मक्खन लगा के उन लोगों से वाईफाई का पासवर्ड पकड़ लेते हैं, फिर उस्मान भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं पढ़ो भाई आपका सामान मैं लेकर। नजारे कर लें उस्मान भाई। क्या कहते हैं, एक चक्कर लगा करें। आप चलाएं, आप चलाएं। अच्छा ये मैं चीजें मैं अब देख रहा हूँ, ये सारा कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर इवन ये वाली ये अच्छा ये पूरा सेट आया है इसका। वेरी नाइस यार, ये भी सारा वो डोर हैंडल्स भी। अच्छा डोर हैंडल्स भी हैं यार, ये मैं अब नोटिस कर रहा हूँ। अगर गाड़ी ठंडी हुई पड़ी अभी निकाल के आया हूं ना, तो इस वजह से सही तरह नहीं हो रही। लेकिन एक डोनट ट्राई करें। चल मैं बाहर खड़ा हो जाऊं, मैं बाहर खड़ा हूं। एक मिनट। ओ यार भागते हैं, लेट्स गो। भागो। नहा नू के कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि अभी से आधे घंटे के बाद मैंने निकल जाना एयरपोर्ट वाली साइड के ऊपर। अभी ये व्लॉग एंड होगा, न्यू व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा अभी एक ही दिन में, मतलब दो व्लॉग। रात के व्यू है इसके, जी के वो सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक दिन पूरा गुजर गया जी को लिए हुए, लेकिन वल्लाह इस खुशी इज स्टिल द सेम। और इंशाल्लाह हम लोगों ने इस साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं, तो जो बंदे नॉन सब्सक्राइबर्स है मजे लेके भाग जाते हैं, वो सारे सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दो, क्योंकि मुझे पता है मैंने गोल्स अचीव करने हैं यार। जब तक जिंदा हम लोग गोल अचीव करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और बाकी इंस्टाग्राम फोरी काकू पे लाजमी चेक करें, पोस्ट आया होगा। आज का व्लॉग हम लोग ही बैंक करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंटिल देन, बाय।